लेके आया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों की। नसरुल्लागंज से हाथरस में दरिंदगी की शिकार हुई दलित युवती के साथ बलात्कार और हत्या के बाद नसरुल्लागंज में भी आक्रोश देखा गया। आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर नगर के बाल्मीकि पंचायत और कई संगठनों ने मिलकर नगर में घूम घूम कर मार्केट बंद कराया और आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। नसरुल्लागंज से चांद मियां की रिपोर्ट। हमारी बहन मनीषा बाल्मीकि के साथ जघन्य हत्याकांड और बलात्कार हुआ है, तो बाल्मीकि पंचायत राष्ट्रीय ने के आह्वान पर, पूर्व विधायक संदीप बाल्मीकि जी के आह्वान पर पूरा भारत देश बंद हो रहा है। उसी संबंध पर आज नसरुल्लागंज के बाल्मीकि पंचायत और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया और नसरुल्लागंज को बंद कराने का प्रयास कर रहा है और उस बहन को न्याय दिलाने के लिए अंतिम समय तक हम लड़ते रहेंगे। उन पापियों को, हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए और हम तो ये मांग करते हैं कि उनका इनकाउंटर होना चाहिए जैसे प्रियंका फांसी दो, फांसी दो।